क्या हाल है मेरे भाई। ओके भाई, व्लॉग स्टार्ट करते हुए कभी ना भाई मेरा इतना दिल नहीं दुखा जितना हाथ दुखा है, क्योंकि तुम्हारे भाई का टायर स्टिकर उतर चुका है। अब भाई मैंने तो अपनी तरफ से पूरा वो लगाया था, मैं 3,500 रुपये का नया तो नहीं खरीदूँगा भाई मैं। छोड़ो भाई, एक पॉजिटिव नोट से स्टार्ट करते हैं, एक और सुहाने दिन में एक और सुहाने वीडियो के साथ आपका भाई फिर से आ चुका है। आज मैं क्या कराने जा रहा हूँ जो कि इंडिया में किसी ने नहीं करवाया, वो चीज़ क्या है, ऐसी क्या जावा की चीज़ रहेगी जो इंडिया में किसी ने नहीं कराई, वो है एग्जॉस्ट। अब आप बोलोगे भाई एग्जॉस्ट तो भाई कोई भी लगवा लेता है, वो जो छपरी छपरी से वो क्रेज़ी वीडियो करके आता है करोल बाग में, वो भी लगाते हैं एग्जॉस्ट। मैं इस पर लगवाऊँगा सबसे महंगे GT के एग्जॉस्ट, GT 650 के एग्जॉस्ट, ठीक है। और नॉन पेड नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है, उसके लिए मैं जा रहा हूँ। और सुनो, मज़े की बात तो सुनो भाई, अभी तो मैंने अच्छे से बताई ही नहीं, जो ये एग्जॉस्ट है नॉर्मल एग्जॉस्ट तो स्लिप ऑन कोई भी लगा ले भाई, मैं लगवा रहा हूँ भाई फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगवा रहा हूँ, जो कि आज तक किसी ने नहीं लगवाया जावा 42 बॉबर में। और इनफैक्ट जहाँ तक मुझे पता है कोई भी जावा के वेरिएंट, BSA के वेरिएंट में फुल सिस्टम एग्जॉस्ट किसी ने नहीं लगवाया। उसके पीछे एक रीज़न है, वो एक रीज़न है उसका एग्जॉस्ट पाइप मिलती नहीं है। अब मैं एक जगह जा रहा हूँ जहाँ पे बहुत महंगी एग्जॉस्ट पाइप का मेरी बातचीत हुई है। तो भाई जो GT के एग्जॉस्ट हैं वो 21,000 रुपये के अराउंड के हैं मेरे पास, बस एग्जॉस्ट। और अभी जो बैंड पाइप बनेगी प्रॉपर, जिसको फिटिंग की बैंड पाइप बोलते हैं, मतलब जो प्रॉपर कस्टमाइज्ड बनेगी, उसका भाई 10-12 हज़ार कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मैं दो टाइप की बैंड पाइप्स होती हैं, एक होती है MS, एक होती है SS। MS होती है माइल्ड स्टील और SS होती है स्टेनलेस स्टील। तो SS के अंदर भी दो वेरिएंट होते हैं बेसिकली जो मार्केट में यूज़ होते हैं, एक होता है 202, एक होता है 304। अब जो 202 होता है भाई उसमें आ जाता है जंग, तो इसलिए वो फूड ग्रेड भी नहीं होता है, वो यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादातर। वो ऑटोमोबाइल्स में अगर किसी ने यूज़ कर लिया जहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता, उस वाले पार्ट के अंदर वो यूज़ कर लेते हैं। शॉर्टली बताता हूँ, ऐसे बैंड पाइप बनाऊँगा या बनवाऊँगा जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकती है, क्योंकि भाई वो 304 सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है। उसके अंदर जो गेज होता है कितना मोटा रहेगा, वो भी उस चीज़ पर डिपेंड करता है। अब देखते हैं, मैं जा रहा हूँ भाई, पहुँचने वाला हूँ बस। यार बहुत ज़्यादा जाम हो गया यार इस टाइम पे ना, जाने का टाइम है। 5 hours later भाई, फाइनली थोड़ा सा प्रोग्रेस हुई है। अभी मैं आया था यहाँ पे 2-2.5 घंटे मैंने लगाए, थोड़ा सा R&D करी, थोड़ा समझा भाई चीज़ें किस तरीके से वर्क करती हैं, समझ रहे हो। अब क्या हो रहा है कि मैं कस्टमाइज बेंड पाइप बनवा रहा था, तो मेरे को इन्होंने ये सजेशन दिया कि कस्टमाइज ना बनवा के आप एक काम कर लो, आप जो ये स्टॉक बैंड पाइप है उसका कैटालिटिक कन्वर्टर हटवा दो। भाइयों, उस दिन थकान के कारण काफ़ी स्लो बोल रहा था मैं, तो वहाँ मैंने 3 ऑप्शन एक्सप्लोर करे। पहला ऑप्शन ये था कि ओल्ड पाइप में से कैटालिटिक कन्वर्टर हटा के स्लिप ऑन्स लगवा दूँ। सेकेंड ऑप्शन ये था कि MS की पाइप लगवा दूँ क्रोम करवा के। थर्ड ऑप्शन ये था कि SS की हैवी बैंड पाइप लगवा दूँ। अब आप आगे का व्लॉग देख सकते हो, देन आपको पता चल जाएगा कि किया क्या मैंने। क्या हाल है मेरे भाइयों के। आज लोकेशन अलग से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जान ही गए होगे आप कि ये Day 2 है। ये आपके लिए Day 2 है, मेरे लिए ये Week 2 है भाई, समझ रहे हो। कोई भी अगर मैं मॉडिफिकेशन करता हूँ, लोग मेरे को बोलते हैं भाई तुम जल्दी वीडियो क्यों नहीं डालते। भैया कैसे बताऊँ आप लोगों को, कोई भी मॉडिफिकेशन घर बैठे नहीं होती, स्पेशली जावा के लिए, क्योंकि मार्केट में इसका कोई भी आफ्टर मार्केट पार्ट नहीं है। सब कुछ बनवाना पड़ा है मेरे को आज तक, जो भी मैंने इसके अंदर काम करवाया है। और जो लोग बोलते हैं भाई जावा का एग्जॉस्ट मिलते हैं, वेनम एग्जॉस्ट है, रेजर एग्जॉस्ट है, भाई देखो चूतिया बनाने की निंजा टेक्निक है, तुम्हें सच बता रहा हूँ। पूछो क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो फिटिंग होती है वो होती है यूनिवर्सल, तुम उसको किसी भी गाड़ी में लगा सकते हो, ठीक है। वेनम एग्जॉस्ट तुम बुल्ट में भी लगा सकते हो, ठीक है, रिबॉन में लगा सकते हो, और तुम्हारा मीटियोर में भी लग जाएगा, लगने का वो किसी में भी लग जाएगा भाई। ये बस फुद्दू बनाते हैं
क्योंकि इनको पता है भाई, मैं करोल बाग पे बिल्कुल प्रॉपर रिसर्च कर रहा हूँ, इसकी एक्सपोज वीडियो आएगी बहुत जल्दी आएगी। भाई सामने हो गया एक्सीडेंट, शिट 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 शिट। ओ भाई जोमेटो वाला गिर गया, बस पहुंचने वाला हूँ मैं, थोड़ा सा रह गया वो, बस थोड़ा सा। बाकी मैं जिनसे करवा रहा हूँ मैं एक बार बात करता हूँ कि इसकी मास प्रोडक्शन करवानी हो, किसी को चाहिए हो ये, तो भाई वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इसका आपको प्रोवाइड करा दूँगा। लेकिन देखो भाई रेट ना बहुत एक्सपेंसिव है, मार्केट में ये चीज़ मिलती नहीं और कस्टमाइज चीज़ें महंगी होती हैं, समझ रहे हो बात को। मैंने पूरी कोशिश कर ली थी मार्केट में कहीं से बेंट पाइप इसकी रेडीमेड मिल जाए, बट कहीं अवेलेबल नहीं, ऑफलाइन ऑनलाइन कोई भी स्टोर करोल बाग कहीं पर नहीं है भाई, समझ रहे हो। तो इसको बनवानी ही पड़ेगी, कोई और ऑप्शन है नहीं, तो इसीलिए भाई काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगी तुम्हारे लिए, बनवा दूंगा मैं। फिर तुम्हारी मर्ज़ी है उसमें रेड रूस्टर लगाओ, गुड़ सेवक लगाओ, या इसका रेस हाइपर प्रो रेक्स लगवाओ। 5 hours later भाई क्या ही बोलूँ, मॉडिफिकेशन के लिए हो गया था ऑलमोस्ट 90% काम आज। फिर देखो टाइम क्या हो गया, पूरा दिन ख़राब हो गया भाई। मतलब मैं सच बता रहा हूँ, मेरा मन करता है कि मैं यूट्यूब क्विट कर दूँ भाई। दूसरी बात ये कि भाई जो एग्जॉस्ट लगे थे मेरे को आज मज़ा नहीं आया। फर्स्ट तो मज़ा नहीं आया मेरा भाई, वो एक्सट्रीम लाउड। मतलब मैंने मज़े में रेस वाले मंगा लिए, मतलब कि मैंने कहा साउंड आएगी वूम वूम वाली, एकदम तगड़े तरीके वाली। नाम से मेरे को ऐसे ही लग रहा था भाई एग्जॉस्ट में कोई कमी नहीं है, मैं पहले ही बता दूं एग्जॉस्ट बहुत प्यारे हैं। उन्होंने भी मुझे बोला कि उनके पास GT के एग्जॉस्ट फर्स्ट आते रहते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो कह रहे काफ़ी अच्छा एग्जॉस्ट है। बट मेरे को सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं हुई एज ऑफ नाउ, समझ रहे हो। अब भी नहीं आई क्योंकि भाई मेरे को वो फिनिश प्रोडक्ट नहीं दिखा, मुझे बस ये मतलब वेल्डिंग के निशान दिख रहे थे, बहुत चीज़ों के निशान दिख रहे थे, कट वट के निशान दिख रहे थे, तो हो सकता है उस लिए मेरे को फील नहीं आ रही हो। बट भाई वो एक्सट्रीम लाउड थे, बैक फायर्स एक होता है ना, लिटरल बैक फायर्स आ रहे थे उसमें से। तो उन्होंने मुझे, मैंने कहा यार काफ़ी ज़्यादा ट्रेबल है इसमें, इस वाले एग्जॉस्ट के अंदर, तो उन्होंने कहा टाइम के साथ जब कार्बन डिपॉजिट होगा तो सब ऑल गुड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंडिया का सबसे पहला जावा का फ्री फ्लो एग्जॉस्ट मैंने बनाया है, ये बात को मैं क्लेम करता हूँ। किसी और ने बनाया हो तो भाई सामने आ जाना, दिखा देना मुझे भी, मैं भी देख के थोड़ा इंस्पायर हो जाऊँगा, जो कि हो नहीं सकता, समझ रहे हो। तो ये इंडिया का सबसे पहला मैंने बनाया है, और मे भी हो सकता है मेरी वीडियो के बाद ये आखिरी भी हो क्योंकि मेन जो कंटेंट पता चलेगा वो पता चलेगा कल। 3 days later क्या हाल है मेरे भाइयों, फाइनली साउंड में आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, अभी लो रेव पे चल रहा हूँ मैं इसलिए कि थोड़ा सा ना भाई मुझे अभी यहाँ से निकलना है, अपने एरिया में नहीं हूँ मैं, अपने एरिया में तो पुलिस को मैं संभाल लूँगा, बट यहाँ पर थोड़ा सा डर है क्योंकि इन एटलीस्ट 130-140 डेसिबल का फ्री फ्लो इंजन बन चुका है, एग्जॉस्ट फ्री फ्लो एग्जॉस्ट बन चुका है भाई। अभी तुम्हारे को बात बिल्कुल भी नहीं आएगी क्योंकि मैं इसके फुल पोटेंशियल तक लेके नहीं जा रहा, और ये टाइम के साथ साथ थोड़ा बेसी होता जाएगा क्योंकि अभी थोड़ी सी शार्प ट्रेबल वाली नॉइज़ है, रेस एग्जॉस्ट है तो काफ़ी लाउड है, लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर का सिरेमिक वूल जलेगा हल्का हल्का, उस पर कार्बन डिपॉजिट होगा, देन उसके बाद इसकी रियल साउंड निकल के आएगी। लो भाई साउंड सुनो थोड़ी, भाई स्पीड क्या हो गई है, अबे पटक भाई मौज भाई, फ्री फ्लो से तो भाई क्या पिकअप हो गया भाई, मेरे को ये स्पीड कभी फील ही नहीं हुई। क्या हाल है मेरे भाइयों के, एक और सुहाने दिन में वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये देखो भाई सरप्राइज टैटन है, वाइड एंगल में अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, रुको मैं अभी दिखाता हूँ।
भाई कैसा लग रहा है सिस्टम? फुल सिस्टम एग्जॉस्ट तुम्हारे भाई ने सक्सेसफुली लगवा चुका है, लगवा लिया है। चाहते हो सुनना एग्जॉस्ट की साउंड तो सबसे पहले लाइक कर देना, वीडियो को कमेंट कर देना। भाई इतनी मेहनत लगी है इस वीडियो में, कुछ राउंड ये लगवाने के 15 दिन बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि भाई कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट छोटी मोटी होती रहती हैं। क्योंकि मॉडिफिकेशंस का क्या है, ये कोई प्लग एंड प्ले वाली मॉडिफिकेशन जावा की अवेलेबल नहीं है, बट तुम्हारा भाई सब कुछ अपने एंड पर बनवा रहा, तो थोड़ी मोटी छोटी मोटी चीज़ें लगी रहती हैं। अभी एकदम रोकनी पड़ गई थी वीडियो, वो गाड़ी वाले भैया कह रहे बढ़िया लग रही है भाई, कौन सी है, उनको सब कुछ समझाया। ये तो होता रहता है, अब तो आदत पड़ गई है इस बाइक को लेने के बाद ना। अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन कराता हूँ साउंड सुनाने से पहले कि काम हुआ क्या क्या है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ से फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है, यहाँ एक कैटेलेटिक, ये देखो पेज खाली है, यहाँ पर कैटेलेटिक कन्वर्टर लगा होता है नोमो वाले एग्जॉस्ट के अंदर। यहाँ से हवा आती है, थोड़ा सा यहाँ पर जल्दी होती है, थोड़ी सी छोटी सी अंदर ही अंदर, तो वहाँ से हवा थोड़ी सी बैक प्रेशर में रह के फिल्टर होके यहाँ आती है। देन उसके बाद फिर यहाँ एक कैटेलेटिक कन्वर्टर होता है, उसके अंदर कन्वर्ट होती हैं जितनी भी गैसेस वगैरह हैं, क्योंकि एमिशंस को रोकने के लिए कैटेलेटिक कन्वर्टर लगा होता है। तो एमिशंस क्या होते हैं, एमिशंस वो होते हैं जो कि पॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं, जो कि BS6 के अंदर नॉर्म्स होते हैं कि इतना गैस में इतना नाइट्रोजन, इतना ये वाली गैस, उतनी वो वाली गैस, उस हिसाब से फ़िल्टर आउट होके यहाँ से एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर निकलता है। अब फुल सिस्टम एग्जॉस्ट ये होता है कि यहाँ से बीच में कोई भी जाली नहीं है, कैटेलेटिक कन्वर्टर नहीं है, एंड यहाँ पर भी कुछ नहीं है, एकदम फ्री फ्लो। इसके कुछ नुकसान भी हैं, उस चीज़ में मैं बाद में आऊँगा। सबसे पहले बताता हूँ कि इस बाइक में काम क्या क्या हुआ है। तो भाई सबसे पहले आते हैं हेडर पे। यहाँ से क्या होता है, मेरे पास कोई फ़ोटो मिलेगी तो मैं लगा दूंगा, आई होप आवाज़ अच्छी आ रही होगी। तो यहाँ पर ना एक हेडर होता है, हेडर मतलब जो कि इंजन में जाके कनेक्ट होता है। अब यहाँ पे मेरा हमेशा से ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, हमेशा से जितनी भी मॉडिफिकेशन करी है मैंने उसके अंदर, कि मैं कोई भी मॉडिफिकेशन रिवर्स करना चाहूँ ना तो चुटकी बजाती ही 1 घंटे के अंदर मैं सारी चीज़ें रिवर्स कर सकता हूँ। मैं हर चीज़ ना नए तरीके से बनवाता हूँ, कुछ भी पुरानी के अंदर मैं छेड़खानी नहीं करवाता। अब मडगार्ड जो लोगों का सबसे बड़ा वो था कि भाई मडगार्ड बनवा लिए, कटवा दिया, नहीं कटवाया भाई, बनवाया है, चाहिए हो तो बता देना। अब वैसे ही मैंने बाकी की चीज़ें भी जो उसके अंदर कराई है वो मैं कभी भी रिवर्स कर सकता हूँ। तो भाई जैसे कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था पुराने एग्जॉस्ट में नहीं छड़वाना, तो मैंने यहाँ पे अपने एक भाई से कांटेक्ट करा, मेरे नोन में ही है वो, तो उन्होंने कहा कि पूरी बेंड पाइप बना देंगे, हेडर का इशू रहेगा। तो देन उनसे मैंने बात बात करी, तो हमने ये डिसाइड करा कि कहीं ना कहीं से ये जो आगे का हेडर है ये किसी पुरानी स्क्रैप में से, स्क्रैप का मतलब ये नहीं होता ख़राब, जो अनयूज्ड रहती हैं चीज़ें, उसमें से सेम साइज़ का मिल जाए। तो उसके चक्कर में इसको ढूंढने में सबसे ज़्यादा टाइम लगा। तो देख रहे हो वेल्ड, ये दूर से देखने में बिल्कुल पता नहीं चलता, पास से भी नहीं पता चलता, मैं बिल्कुल ही क्लोजअप दिखा रहा हूँ तो आपको पता चल रहा है। और देखने में अगर आप सोच रहे हो कि ये अगली लग रहा है, भाई जितनी भी बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल्स हैं उन सब में ये जो स्टील है ये गर्म होने के बाद ऐसा हो जाता है, अभी ये धीरे धीरे ब्लू होगा, बहुत सुंदर लुक आएगी विद इन 1 से 2 महीने में, ये ब्लू हो जाएगा, बहुत सुंदर लगेगा। मैं आपको एग्जांपल के लिए शॉर्ट्स डाल देता हूँ, 1 सेकंड। सब सुपर बाइक्स में, सब बाइक्स के अंदर, इनफैक्ट जो ट्रायम्फ की जिससे मैं इंस्पायर होके मैं फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगवा रहा हूँ, उसके अंदर भी ये वाला पार्ट जो भी है ये ब्लू हो जाता है या ब्राउन हो जाता है। और ये मैं कभी भी हटा सकता हूँ, उसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, बस विनेगर वाला पानी डाल दूंगा इस पे और ऐसे ही हो जाएगा। मतलब गरम गरम में अगर विनेगर वाला स्प्रे मार दूंगा तो बिल्कुल ये ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो रखा ऊपर से। वो सब चीज़ें टेक्निकल हैं, वो चीज़ें आप छोड़ दो। तो यहाँ से फिर एक मशीन होती है जिसमें पाइप बेंड होती है एंगल्स पे, तो इसके ऊपर एक पहले एक होता है ना हिट एंड ट्रायल मेथड, कि पहले करेंगे देन उसके बाद कुछ कमी होगी उसको ठीक करेंगे। तो उसके अंदर हिट एंड ट्रायल मेथड हुआ है कि पहले हेडर ढूंढा गया, देन उसके बाद उसको यहाँ से सीधी रोड से कनेक्ट करा गया, फिर रोड को हिसाब से मोड़ा गया, फिर कहीं पर एरर लगा उधर से ठीक करा गया, फिर कहीं पर एरर लगा उधर से ठीक करा गया। तो ये मोड़ी पूरी मशीन के थ्रू मुड़ी है, अब देखोगे हाथ के थ्रू नहीं मुड़ी है, मशीन के थ्रू मुड़ी हुई है। देन उसके बाद भाई तुम्हारे भाई ने लगवा दिया GT का एग्जॉस्ट को। अब इस एग्जॉस्ट के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है, तुम्हारे भाई ने 21,000 रुपये के ये और ये लिया है, ऑफ ट्रेल ब्रांड्स का है। भाई मैंने मार्केट में पूरी रिसर्च करी है, बहुत सही है ये। रीज़न क्या है, मैं पहली बता रहा हूँ नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है, तो तुम ये मत समझना मैं जान के तारीफ़ कर रहा हूँ। तो भाई रीज़न क्या है, गुड़ सेवक के अंदर होती है बेस, अगर आपने गुड़ सेवक एग्जॉस्ट के बारे में सुना होगा, GT के एग्जॉस्ट हैं, गुड़ सेवक एक ब्रांड है
उसके अंदर बहुत बेसी होता है वो, मैं एग्जॉस्ट नोट डाल दूंगा उसका वीडियो के अंदर ही। गुरसेवक का जो बेस नोट है वो है ये, अब एक और ब्रांड है रेड रूस्टर परफॉर्मेंस RRP, उसका एग्जॉस्ट नोट है ये। अब आपने दोनों एग्जॉस्ट नोट सुन लिए होंगे, अब सुनो मेरी बात, जो घुड़सेवक है और जो RRP है, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे, समझ रहे हो, तो इस वाली साउंड आएगी। अब समझना, ये एकदम मीडियोकर है। रेड रूस्टर के अंदर जो आवाज़ होती है उसमें ट्रेबल ज़्यादा होता है, वो तीखी आवाज़ होती है, जिनको तीखी आवाज़ पसंद है ना वो लोग रेड रूस्टर परफॉर्मेंस लगाते हैं, और जिनको बेसी साउंड चाहिए होती है, जैसे कि मैं भाई बेस लवर हूँ, मुझे बेस चाहिए, मुझे ट्रेबल से मतलब नहीं, तो मैं घुड़सेवक लगवाता। बट अब मेरे को जब ऑप्शन मिल रहा है कि मैं दोनों की खूबियाँ एक एग्जॉस्ट में मुझे मिल सकती है, तो भाई मैं ये क्यों ना लगवाऊँ, समझ रहे हो आप बात को। तो इसका मैं एग्जॉस्ट नोट सुनवाऊंगा, इसके अंदर DB किलर्स भी होते हैं, वो मैंने हटाए हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रॉपरली फ्लाई बाइज विद DB किलर, विदाउट DB किलर, मतलब बहुत अच्छा प्लान है अगली वीडियो के लिए मेरे पास, तो वो नेक्स्ट वीडियो के लिए कभी रखेंगे। बट अभी के लिए मैं आपको उसका एग्जॉस्ट नोट सुनवा देता हूँ, उससे पहले थोड़ी पैसों की बातचीत कर ले। 21,000 समथिंग का ये है, ये एग्जॉस्ट पाइप काफ़ी हैवी स्टेनलेस स्टील में है जो रस्ट नहीं पकड़ता, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, 10,000 प्लस के अराउंड की है ये। तो जिसको भी कुछ भी चाहिए हो, देखो ये सब शौकिया तौर पे चीज़ें हैं, अगर आप ये बैंड पाइप नहीं बनवाना चाहते तो आप ये भी ख़रीद सकते हो, ठीक है, और ये लगा लोगे, आवाज़ के अंदर 100% डिफरेंस रहेगा, क्योंकि इसके अंदर सीधी हवा आ रही है, उसमें भाई रुक के हवा आएगी कैटलेटिक कन्वर्टर के थ्रू, तो वो सब चीज़ें अलग हैं, वो किसी और वीडियो में करेंगे। प्रोज कॉन्स जो इसकी एवरेज ड्रॉप हुई वो बिल्कुल अलग एक वीडियो बनाऊंगा, वैसे ज़्यादा कुछ एवरेज में फ़र्क नहीं पड़ा, बट एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा उसके लिए अलग से। अभी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मुझे पता है मैं आधी वीडियो एडिट कर चुका हूँ, और मुझे पता है भाई वीडियो ऑलरेडी ही 16-17 मिनट या 20 मिनट के राउंड की हो चुकी है, अभी ये मैं 15 मिनट का पार्ट और लगाऊंगा या 10 मिनट का, जो भी है कट कुट आगे 25-30 मिनट की वीडियो हो जाएगी, कोई नहीं देखेगा भाई इतनी लंबी वीडियो, मुझे पता है ना चलती है इतनी लंबी वीडियो, फिर भी मैं डाल रहा हूँ, आप लोगों का प्यार है, मैं इसको पार्ट्स में डालने का सोच रहा था, बट चलो कोई नहीं, मेरे को सजेस्ट करना पार्ट्स में चीज़ें चाहिए आपको कि नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो भाई इसकी मैं एग्जॉस्ट नोट सुनवाता हूँ, और भाई मेरे को थोड़ा सा बताना कि आपको कैसा लगा एग्जॉस्ट नोट इसका। लो RPMs के ऊपर बेसी है, एंड मतलब अप टू 6000 RPM बेस आएगा तगड़ा, और 6000 RPM के बाद ये ट्रेबल पकड़ता है, और 7 to 8 मतलब जब तुम बिल्कुल ही इंजन को खींच रहे होते हो तब ये बहुत तीखी हो जाती है इसकी साउंड, लेकिन दूर से हल्का हल्का बेस सुनाई देगा जो दूर से देख रहे होंगे, पास वाले को तीखी ट्रेबल वाली आवाज़ ही सुनाई देगी। तो ये कॉम्बिनेशन है दोनों का, और सच बताऊँ तो दोनों का बाप लगा है मुझे। अब यूज़ करते हैं क्योंकि 10 दिन हुए हैं, और जैसे जैसे एग्जॉस्ट पुराना होता है उसकी साउंड एनहेंस होती है, क्योंकि इसके अंदर सिरेमिक वूल होती है, उसमें कार्बन डिपॉजिट होता है, देन और भारी होती है आवाज़। तो शुरुआत में बेकार लगी कि तुम लोगों को आवाज़ अगर कोई लगवाएगा, लेकिन मेरे को एक हफ़्ता लगा आवाज़ सुंदर आने में, सुंदर हो गई अब आवाज़, अभी तो और जितना चलाऊँगा 1000 किलोमीटर तक और चलाऊँगा ना तो भाई बेस्ट हो जाएगा सीन। तो अब इसकी आवाज़ सुनो, और देन उसके बाद मैं वीडियो ख़त्म करूँगा। लाइक कर देना, कमेंट कर देना अपने भाई के लिए, मैं तुम लोगों से कुछ नहीं मांग रहा हूँ, आप बस चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अगर कुछ ज़्यादा ही कोई प्यार दिखाना चाहता है तो चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसके अंदर मैं फुल फ्लेज वीडियो और आपसे पर्सनल इंटरेक्शन करूँगा जो आप जानना चाहते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, कोई दिक्कत हो वहाँ बता देना, और कुछ अगर ज़्यादा ही एक्सट्रीम दिक्कत होगी तो उसके लिए चैनल ज्वाइन कर लेना, उसके अंदर मैं ज़्यादा अच्छे से असिस्ट करूँगा। सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी, 2-3 चीज़ें मैं छोड़ दी थी मैंने, जो कि मैं बताना भूल गया था। सबसे पहला है जो ये एग्जॉस्ट है, इसमें दो टाइप के एग्जॉस्ट आते हैं, नॉन पेड वीडियो है लेकिन फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि अच्छे एग्जॉस्ट हैं, ये ऑफ ट्रेल्स के हैं, और थोड़ी सी गंदगी माफ़ करना भाई, ये ऑफ ट्रेल्स के हैं, और इसके अंदर दो पार्ट आते हैं, एक आता है S1 Pro, जहाँ तक मैं ठीक हूँ, अगर गलत होऊंगा तो नाम दोबारा से डाल दूंगा, S1 Pro, उसके अंदर भाई जो S1 Pro है वो एकदम डेली कम्यूट के लिए। सेकेंड ये है, ये रेस वाले वेरिएंट है, इसका पूरा नाम लिख दूंगा मैं ऊपर लेफ्ट या राइट में जहाँ पर मेरे को जगह मिलेगी, ये रेस वाले वेरिएंट है भाई, ये अंदर से पूरे खोखले होते हैं, रुको मैं जरा एक सेकंड आपको दिखा दूँ अंदर से,
मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो ये अंदर से पूरा खाली है, देख रहे हो, ये देखो, और ये जो देख रहे हो डॉट डॉट, इसमें ना सिरेमिक वूल है भाई, बहुत तकड़ा सिरेमिक वूल है। साउंड से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना अच्छा सिरेमिक वूल है, जिसके चक्कर में बेसी हो जाती है साउंड। अब फटाफट कैमरे माउंट्स करते हैं, कैमरा माउंट करते हैं या कैमराज माउंट करते हैं, जो भी आप कहना चाहो कह लो। और ये भाई अनफॉर्चुनेटली मेरा ये इंडिकेटर टूट गया है, नए मैंने मंगवा लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने दोस्त की दुकान है, आ जाएंगे। सबसे पहले अपना 360 लगाते हैं भाई यहाँ पे, ये माइक निकाल देता हूँ, ये लगा लेते हैं कैमरे में, फ़ोन में, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। हेलो 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 हेलो, चलो एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर सारी चीज़ें मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा डीपली। और सबसे बड़ा रोल है इसके जो साउंड अच्छी है, एक तो एग्जॉस्ट तो अच्छे हैं ही, फ्री फ्लो ये भी है अच्छा, एयर फिल्टर। एयर फिल्टर भाई मैं चाहता हूं कि आप लोग सब जैसी गाड़ी खरीदो सबसे पहले एयर फिल्टर चेंज कराओ। इस गाड़ी में जो लैक करता है वो है एयर फिल्टर और स्पार्क प्लग, ये दोनों चीज़ें चेंज करा लोगे बाइक में ड्रास्टिक चेंज आएगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में एक तो मैं सर्विस का दिखाऊंगा, वो एक अलग सेपरेट वीडियो होगी, उसके बाद एक इसके फ्लाई वाइज दिखाऊंगा, फ्लाई वाइज वो होते हैं चलती हुई गाड़ी दिखाते हैं एक स्टिल कैमरा से, कि मैं भगाते हुए लेके जाऊंगा कैसे साउंड आती है, और एक बंदा रिकॉर्ड कर रहा होगा मेरे को खड़े हुए, तो वो फ्लाई वाइज दिखाऊंगा। इसके प्रोज एंड कोज बताऊँगा, कितनी एवरेज कम हुई है वो बताऊँगा, और काफ़ी यार आगे बहुत प्लान्स हैं, बस सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और वीडियो बहुत लंबी हो गई होगी और इससे भी लंबा कंटेंट है मेरे पास, अगर किसी को वो देखना है तो ज्वाइन कर लो चैनल, जैसे मेरे पास 10 ज्वाइन मेंबर होंगे एक बढ़िया बढ़िया वीडियोस में वापस एक्सक्लूसिव डालता रहूँगा, जो कि काफ़ी बड़ी होंगी, जो मेरे से प्यार करते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। चलो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।